नमस्ते, मेरे चैनल में वापस स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अडोब फोटोशॉप को डाउनलोड या उपयोग किए बिना अपनी तस्वीरों को संपादित करने के लिए अडोब के जनरेटिव फिल एआई का उपयोग कैसे करें। तो चलो शुरू हो जाओ। अडोब जनरेटिव फिल एआई सुविधा का उपयोग करने के लिए आप आसानी से अडोब फायरफ्लाई एआई पेज पर जा सकते हैं और जनरेटिव फिल सेक्शन में जेनरेट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब अपनी तस्वीर अपलोड करने के लिए छवि अपलोड करें पर क्लिक करें। छवि पृष्ठभूमि को बदलने के लिए आइए इस जनरेटिव फिल एआई का उपयोग करने का प्रयास करें। ऐसा करने के लिए वर्तमान पृष्ठभूमि को हटाने के लिए पृष्ठभूमि बटन पर क्लिक करें, फिर बताएं कि आप शीघ्र इनपुट में क्या उत्पन्न करना चाहते हैं। शुरू करने के लिए जनरेट करें पर क्लिक करें। अडोब फायरफ्लाई एआई आपको 4 विकल्प प्रदान करेगा। अपनी छवि को बचाने के लिए ऊपरी दाएं कोने में डाउनलोड करें बटन पर क्लिक करें। यदि आप परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, तो नए विकल्प उत्पन्न करने के लिए अधिक बटन पर क्लिक करें। अपना वर्तमान संपादन समाप्त करने के लिए कीप बटन पर क्लिक करें या एक नया संकेत बनाने के लिए रद्द करें बटन पर क्लिक करें। अब फोटो में एक वस्तु को संपादित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम हॉट पेंट को सफेद स्कर्ट में बदल देंगे। ऐसा करने के लिए बाईं ओर निकालें बटन पर क्लिक करें और ब्रश के आकार को समायोजित करने के लिए सेटिंग बटन पर क्लिक करें। अब वस्तु को छवि से हटा दें। उसके बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक करें और इस जनरेटिव फिल कमांड के लिए अपना संकेत टाइप करें। अब अडोब के जनरेटिव फिल एआई का उपयोग करके फोटो में एक नई वस्तु जोड़ते हैं। निकालें बटन पर क्लिक करें और सेटिंग मेनू से ब्रश का आकार चुनें। तस्वीर में कुछ क्षेत्रों को हटा दें। सुनिश्चित करें कि आकृति उस वस्तु से मेल खाती है जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। इस उदाहरण में मैं दीवार पर एक विदेशी सिर जोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं अंडाकार क्षेत्र बनाऊंगा। प्रॉम्प्ट मेनू खोलने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करें और अपना प्रॉम्प्ट टाइप करें। अपनी तस्वीर में नई वस्तु जोड़ना शुरू करने के लिए जनरेट करें पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे समर्थन देने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल वीडियो में। अलविदा। प्यारो लाइक करो। नमस्ते।